हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शायद ये ब्लॉग अरुणाचल का लास्ट ब्लॉग होता होगा। हम कोशिश करेगा इसका बाद और एक ब्लॉग लाएगा, लेकिन ये शायद लास्ट हो सकता है क्योंकि परसों का हम दिल्ली के लिए निकल रहा है। एंड अभी हम जा रहा था हम तेजू पे, वहाँ जाके थोंगबेंग मेरा साथ जुड़ेगा एंड वहाँ से हम लोग प्लान किया है कहीं जाने का, नेचर दिखाने का। बस ये प्लान है आज का थोड़ा सा। क्या तुम तैयार हो? सो हियर इज द गाइस, चौ थोंगपेंग होपाक, पेंग बोलते हैं इसको वैसे तो हम लोग। ये है पेंग, ये है श्रवण, ये गाड़ी पर है पहाड़, यहाँ से आगे जाना है। अभी हम लोग यहाँ तेजू से आया था, अब आगे बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा आपको सब फुटेज मिलेगा। हाँ, क्या व्यू है इसका। ऊपर आसमान को छूता हुआ पहाड़ और पहाड़ पे खड़े हम तुम। हाय हाय हाय, कहाँ मिलेगा ऐसा नज़ारा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अरुणाचल पे मिलेगा ये पहाड़। और पहाड़ के नीचे देखे तो ऑब्वियस सा बात, खाई। कोई यहाँ से गिर जाएगा ना, ओए यहाँ से कोई गिर जाएगा ना तो वापस। ओहो, वाह, इस गहराई को देखने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा और ये कदापि हो नहीं सकता। वी आर एट द टॉप, वी आर एट द मिडिल टॉप, तो वहाँ पे टॉप पहुँचने वाला भी है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो लगभग टॉप ही हो जाते हैं ना, पहाड़ का टॉप हो जाता है लगभग। देखो ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, इधर जाना है, इधर कहीं जाना है, बीच में इधर दिखाई नहीं दे रहा है फाइनल लुक, क्योंकि अभी हम लोग को और आगे जाना है तो इसलिए। Alright, we have reached the destination. बहुत सारा ब्लॉगर, बहुत सारा यूट्यूबर, घूमने वाला एक्सप्लोरर, एडवेंचरर लद्दाख जाता है, शिमला जाता है, कहाँ जाता है। कभी यहाँ भी आया करो यार, सेम फीलिंग। पहाड़ है, नदी है, झरना है, नेचर है, ब्यूटी है। अरुणाचल प्रदेश है, अपन है यहाँ पे। थोंगपेंग भी है बोले तो पेंग। ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये नदी छोटा सा, ये एक्चुअली झरना का पार्टी। ऊपर से झरना गिर के आके यहाँ छोटा सा नदी बन जाता है और इस नदी का नाम है नाला। दस नाला, नदी नहीं है, नाला है, क्योंकि छोटा है ना बहुत, तो नाला इसको नाम दिया है। दस नाला है और ये ब्रिज। और भी ऊपर जाने का बहुत रास्ता है, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं हम लोग, टॉप तक। अगर टॉप से जाके देखें तो पूरा रास्ता, नदी जितना रास्ता तक अभी तक हम लोग चलाए सब दिखता है और नदी भी दिखता है सब, जितना भी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में सब दिखाई देता है। लेकिन उतना ऊपर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि सूरज लगभग ढलने वाला है तो इसलिए। और नहाना भी हम लोग प्लान किया है, नहाएगा तो ठंडा उंडा लगेगा। यू कैन सी द नदी बोले तो नाला। यहाँ से किधर चाइना बॉर्डर पार होके ये पहाड़ का उस तरफ चाइना है एंड इधर से होके नदी यहाँ आ रहा है। बस नदी आ रहा है, कोरोना नहीं आ रहा है। हाय, क्या आवाज़ है, आपको भी आवाज़ सुनाई मिल रहा होगा, खल 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 खल। एक बात बताओ, पानी बहता है ना बहती है, बोलो ना, बहता बहता है ना बहती है, बहता है ना बहती है, लास्ट ऑप्शन जो भी।
पानी ना बहता है ना बहती है, पानी तो बहुत अलग। चलो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके कहीं एक बढ़िया सा जगह स्पॉट खरीद के थोड़ा चिल आउट करेगा, नहाएगा, बस बस इसका उस पार चाइना है तो थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। क्या बोलते हो? एंड एज यू कैन सी यहाँ पे गाड़ी है और दो बाइक है इस गाड़ी का पीछे, मतलब यहाँ पे और लोग भी ऑलरेडी आ चुका है। ये तो अपना बाइक है, ये दो अपना बाइक नहीं है और ये अपना गाड़ी नहीं। चलो पकड़ो हेलमेट और चलो। लेकिन अभी हम लोग जगह का मुआयना ले रहा है, हम लोग सोच रहा है कि यहाँ से आगे उस तरफ जाएगा और नदी में, ये नदी पे छलांग मरेगा, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? 1 2 3 क्योंकि हम सेलो टेप लगा दिया है, पानी पानी का घुसने का डर तो नहीं है, वाटर प्रूफ है, फिर भी इतना जोर का पानी है कि पानी घुसने का डर है, इसलिए सेलो टेप लगा दिया, इसलिए सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा नहीं पता, बस हिम्मत जुटा रहा है यहाँ बैठ के। अब पानी में जाने का बारी है। और एक बात बोलना चाहेगा, जिसका पास टेक्निक नहीं है उसका बड़ा दिक्कत है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लग गया जोर से और बहुत जोर से लग गया, क्योंकि पत्थर बहुत फिसलन फिसलन है, स्लिपरी होने का, जैसे पत्थर में पैर रखा था तो डायरेक्ट नीचे गिर गया पानी के अंदर, तो चोट लगा है, पूरा माउंटेन ट्रेनिंग हो गया। कोई नहीं दिख सकता, जो भी यहाँ डेली आके नहाता उसको माउंटेन क्लाइंबिंग से कोई नहीं रोक सकता, इतना दिक्कत है, फिर भी इंजॉय किया, कुछ लेके जा रहा है यहाँ से, भले ही वो चोट क्यों ना हो, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा खल 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 पानी का आवाज़ आ रहा है। बस अभी कपड़ा चेंज करेगा चलेगा बस। और हम लोग जो जगह गया था इस तरफ नहीं गया है, बस यहाँ से शुरू करके वहाँ तक पीछे तरफ गया है, और चाहता तो और ऊपर जा सकता था लेकिन ऊपर जाने का हालत में नहीं है इसलिए ऊपर नहीं गया है, पसीना से काम चला लो यार। Now it's time to say goodbye. और जब आया था सूरज वहाँ था, अब डूब चुका है, एंड इस जगह को goodbye बोलने का टाइम आ गया। क्या बोल रहा? बस ये लास्ट व्यू देख लो, वहाँ पे हम लोग था, एंड बस इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस ब्लॉग, इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यार। बस थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय। हम आप लोगों को और एक चीज़ बताना भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते समय हम लोग को आना पड़ता है पेट्रोल में, जाने के लिए कोई भी पेट्रोल जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ता है नीचे, तो हम लोग को बाइक ऑन करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा धक्का ये बोलना था। चलो दम लगाओ बे, बस अब न्यूट्रल में हम लोग नीचे 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 पहुँचते रहेगा बस। Para
बड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉगर लाइफ, कैमरा लाओ फिर ले जाओ।